दर्शकों, आज के इस खास एपिसोड में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे युवा से जिसने अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दे दिया है। काफी साल पहले जब हम उनसे मिले थे तो उनकी वेशभूषा कुछ और ही थी, लेकिन अयोध्या 22 जनवरी में जब अचानक हम सरयू तट के किनारे आदित्य तिक्कू से मिले तो हम हतप्रभ हो उठे उनकी वेशभूषा देखकर। आइए मिलवाते हैं आपको आदित्य तिक्कू से। दर्शकों, आपको बता दें कि हम खुद हैरान हैं आदित्य जी को देखकर कि वही तिक्कू हैं जिनको आपने सोशल मीडिया में देखा होगा कटिंग चाय के प्लेटफॉर्म पर। हमने तो जब संयोग से मिराज सिनेमा में इनके होर्डिंग्स देखे तो हम गदगद हो गए, और तब हम और भी चौंक गए जब इनकी रुचि हमने भगवा में पाई। तो आइए जानते हैं इनसे कि इनका जन्म कहाँ हुआ और इनकी यात्रा किस दिशा में जा रही है, कहीं ये पूरे तौर से सन्यासी तो नहीं बन जाएंगे। जन्म स्थल तो मेरा महाकाल की नगरी उज्जैन है जी। मैं सदा कहता हूँ, कई लोग कर्मों से, मेहनत से सौभाग्यशाली होते हैं जी। मैं बाय बर्थ सौभाग्यशाली हूँ, लक मेरे साथ ही है जी। मेरा ईश्वर की कृपा है कि मैं महाकाल नगरी में मेरा जन्म हुआ, तिक्कू परिवार में जन्म हुआ, मेरे माता पिता, मेरे भाई भाभी, मेरा परिवार, जिनने मुझ जैसे को सपोर्ट किया। मैं सच बता, हर जना करता है, करना भी चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति बीमारी से उठा, जिसको डॉक्टर ने कहा कि ये बढ़ नहीं सकता, बढ़ नहीं सकता है, मुझे कॉन्फिडेंस दिया, उसी के बल पे मैं चल पाया। मतलब कई जनों ने कहा कि ये कुछ नहीं कर सकता, मेरी माँ को, माता जी को भी कहा, भाई को कहा, भाभी को कहा, लेकिन उनका आत्मविश्वास, उनकी मेहनत थी और मैं फल खा रहा हूँ। लेकिन आदित्य जी, एक बात बताइए, कभी आप तो एकदम मॉडर्न दिखते हैं, और हमने आपके सोशल मीडिया पे ये भी चर्चे सुने हैं कि आप कपल्स को भी मोटिवेट करते हैं, और कभी कोई डाइवर्ट होता है तो उनका रीयूनियन भी आप करने की क्षमता रखते हैं, तो ये सब कैसे कर पाते हैं भाई? मतलब साधारण जीवन, सिंपलिसिटी का मॉडर्निज्म से कोई ऐसा नहीं है, कोई बैर नहीं है। अच्छा, आप मॉडर्न होके भी सिंपल रह सकते हैं। सादगी में रहना या शांति से में रहने में ज़रूरी थोड़ी है जी कि आप डिस्क में नाचें और बियर कैन जनरेशन, जो मैं आजकल की कहता हूँ, उसी से आपको शांति और एंजॉय करेंगे, ऐसा नहीं है। योग करें, मेडिटेशन करें, बहुत शांति है। ये वर्तमान समय तो काफ़ी बिजी समय आपका रहता है, कई तरीके के शेड्स भी दिखते हैं, तो दिनचर्या कैसी होती है आमतौर पर आपकी? अब मेरी बड़ी सिंपल सी है, सालों से है, तकरीबन 4:15 पर मैं उठ जाता हूँ जी। उसके बाद से मेरा दिन शुरू होता है, तो वो चलता है 11:30 तक रात के जी। समय बहुत है जी। मेरे पास बहुत ज़्यादा अभी भी समय है कि मैं अभी भी 2 या 3 काम और कर सकता हूँ जी। लेकिन कहते हैं ना, आलस्य जी, आलस्य ने जकड़ा हुआ है जी, स्वार्थ ने जकड़ा हुआ है जी। नहीं तो मैं काम और भी कर सकता हूँ, काफ़ी चीज़ें कर सकता हूँ, लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ, होपफुली किसी दिन। आमतौर पर कोई भी व्यक्ति ये नहीं स्वीकारता कि वो आलसी है, ये नहीं स्वीकारता कि वो कुछ और करना चाहता है या कर नहीं रहा है, लेकिन आप जिस साफ गोई से इन चीज़ों को बता रहे हैं, उसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ी ईमानदारी चाहिए। तो उसी ईमानदारी से एक बात हम और जानना चाहेंगे कि ये भगवा किस ओर इंगित कर रहा है आपकी यात्रा को? आप क्या संन्यास लेने वाले हैं, और अगर लेने वाले हैं तो कब आएगी वो शुभ तिथि? भगवा तो मुझे अच्छा लगता है जी, मुझे शांति मिलती है जी, मुझे सुकून मिलता है, मुझे लगता है मेरे संग कोई है जी, मैं एक अलग तरह की पावर मिलती है। कोई कह सकता है ये पावर एंजॉय का है जी। अगर नशा है तो ये है जी, और मुझे कोई इसमें परहेज नहीं, लेकिन बस ये है कि मैं भगवा सुपारी नहीं बेच रहा हूँ जी, मैं शांति बेच रहा हूँ, मैं जीवन की बात करता हूँ जी, बस ऐसा ही है। और रही सन्यास, इच्छा होना अलग चीज़ है जी। उतना अभी तक इंद्रियों पे मेरे कंट्रोल अभी तक नहीं हुआ, स्वार्थ मेरे अंदर अभी भी है, मैं अभी भी इच्छा रख रहा हूँ कि मैं सन्यासी बन जाऊँ जी। जब आप सृष्टि से कुछ इच्छाएँ रख रहे हैं जी, तो फिर मोह माया में ही फंसे हुए हैं, वैसे मैं फंसा हुआ हूँ,
मैं तो कहता हूँ कि मैं मोह माया और अहम से बना हुआ एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। प्रयास जारी है, देखिए ईश्वर कब कृपा कर दे। जी कई बार हमने देखा है बड़े बड़े राज परिवारों से बड़े बड़े राजकुमार निकले हैं और वो जाकर सन्यासी बन गए हैं, तो कहीं आपके जीवन में ऐसी कोई घटना या ऐसा कोई आदर्श है जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे? राज परिवार से निकले हैं, काफ़ी निकल रहे हैं, अभी भी कई जने निकलते हैं जी। पर मैं तो इसी में राज करता हूँ कि मेरे परिवार है जी। मैं इसी में सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि मैं सनातनी हूँ और मेरा परिवार जी। इससे ज़्यादा क्या जरूरत, इससे राज क्या होगा। आज तो हमारे राजा जी का मंदिर भी निर्माण हो गया है जी। अभी देखिए थोड़े धीरे धीरे काशी मथुरा हर जगह राजाओं के महल तैयार होंगे। अब वो वनवासी नहीं कहलाएंगे, अब वो राजा ही कहलाएंगे जी। बिल्कुल, राम जी तो एक राजा के रूप में बनकर यहाँ पर विराजमान हो गए हैं और आपने भी एक राजा की तरह जिंदगी को शायद आरंभ करने का प्लान बना लिया है, मन बना लिया है। तो हम ये चाहेंगे कि क्या इस यात्रा में, इस राजा की यात्रा में किसी रानी ने भी पदार्पण किया है या करेंगी, या उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई मैं कभी भी दो नावों पे एक साथ नहीं चलता हूँ जी। जब मैं ध्यान लगा रहा हूँ, जब मैं चाह रहा हूँ कि मैं जीवन कुछ बन जाए जी, तो फिर मैं किसी लड़की कह लें, महिला कह लें, का जीवन खराब नहीं करूँगा। हाँ ये ज़रूर है, कोई लड़की हो अगर जी, तो मैं उसके लिए एक अच्छा वर्ड ढूंढने की पूरा प्रयास करूँगा जी, जी, जी। वो अच्छा जीवन जिए, मेरे संग जिए कि सिर्फ संघर्ष करेगी। आज की वर्तमान राजनीति में जिस प्रकार से योगी जी समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं, मोदी जी ने एक नया जज्बा भरा है, तो आज की पीढ़ी के लिए आपका संदेश क्या होगा? योगी जी तो है ही योगी जी, आदित्य जी भी योगी हैं, तो वो तो योग कर ही रहे हैं जी। सेवा में तो वो जुड़े हुए हैं। आज ज़रूर समाज को और राष्ट्र को विश्व को पता चल रहा है, लेकिन योगी जी हैं या मोदी जी हैं तो उन्होंने सन्यासी वाला जीवन ही जिया है, कर रहे हैं जी। वो ज़्यादा कर्मशील हैं, अच्छी बात है, खुश हैं हम। मैं क्या बताऊँ, मैं तो सबसे यही कहता हूँ जो भी करना करो ईमानदारी से करो, फोकस होके करो। जैसे मैं कहता हूँ झूठ बोलिए या नहीं बोलिए, नहीं बोलेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अपने से झूठ मत बोलिए। लेकिन आदित्य जी हम क्षमा चाहेंगे आपको रोकने के लिए, लेकिन एक सवाल हमारे हृदय में ये आ रहा है कि कई लोग होते हैं जो मन में तो बहुत सकारात्मक और या कह लीजिए कि सनातनी विचार भी रखते हैं, लेकिन उनमें ये हिम्मत नहीं होती, ये डेयरिंग नहीं होती कि वो भगवा को अपने शरीर पर स्थान दे। तो ऐसे जो लोग हैं जिनके मन में सनातन विचारधारा है लेकिन उनका वेश कुछ और है, तो ऐसे लोगों को क्या आप कहेंगे कि आधुनिक वेशभूषा के साथ भी वो इस प्रकार के विचार को अपने अंदर रख सकते हैं, या भगवा पहनना ही उसके लिए ज़रूरी है? भगवा पहने, मैं पहन रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे शांति मिल रही है, मुझे प्रसन्नता हो रही है। जिसको जो पहन, कपड़े में क्या है, कपड़े पे तो मैं कभी जाता ही नहीं, जिसको जिसमें शांति मिले वो करे, बस ईमानदार रहे स्वयं से, चाहे दुनिया को कुछ भी कह दे, खुद से ईमानदार रहे। प्रॉब्लम ही यही हो जाती है कि हम खुद से भी झूठ बोलने लगते हैं। भ्रमित दुनिया बनाई है, लेकिन भ्रमित दुनिया में जीने मत लगी जी। और आदित्य जी ये भी हम पूछेंगे आपसे कि आप एक मॉडर्न सिटी में भी रह चुके हैं, मुंबई में, तो आपको कहाँ पर तसल्ली ज़्यादा मिलती है? मॉडर्न लाइफ में लोगों को गाइड करने में ज़्यादा आपको आनंद आता है या धार्मिक प्लेस पे आपको ज़्यादा आनंद आता है? देखिए जो सच्चाई है, मैं मुंबई में रहूँ, जयपुर में रहूँ या कोलंबो में, कहीं भी रहूँ, वो मेरे काम है। लेकिन शांति एक अलग चीज़ है, जिसको जिससे जैसे मिले। हो सकता है मुझे यहाँ पर अभी आपसे बात करके शांति मिल रही हो, और किसी इसी समय किसी बच्चे को मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के बाहर टहलते हुए शांति मिल रही है। आदित्य जी हम जानना चाहेंगे आपकी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? शुरुआत उज्जैन से हुई थी जी, और अभी भी चल रही है, निरंतर चलेगी शिक्षा। तो क्या बात है, कहीं और अभी लेकिन जो एजुकेशन का पैटर्न है उसमें तरह तरह के लोग सुझाव दे रहे हैं, सरकार भी सुझाव मांग रही है, तो आज की शिक्षा को लेकर आपका क्या सुझाव है? विश्व में देखिए भारतीय कुछ पदों पर पहुँच रहे हैं,
हर क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। बस ये है कि प्रेशर मत दीजिए बच्चे को, ये मेरी रिक्वेस्ट है। बच्चे को पढ़ाई है, शिक्षा से अनमोल कोई चीज़ नहीं है, लेकिन बच्चे को प्रेशर इतना मत दीजिए कि वो झूले की जगह फांसी पे झूलने के लिए मजबूर हो जाए। हाँ, और एक सवाल हमारे मन में और आ रहा है कि जैसे हमने सुना है आजकल कई पेरेंट्स ये कहते हैं कि बच्चों को गुड टच, बैड टच या सेक्स एजुकेशन ये पढ़ाना कहाँ तक उचित है? आपकी नज़र में ये गुड टच, बैड टच, सेक्स एजुकेशन जो लड़कियों को खास करके लिए है, बालिकाओं को है, उसके लिए आपकी क्या राय है, आप क्या बताना चाहेंगे? गुड टच और बैड टच के तो मैं बिल्कुल खिलाफ ही हूँ। कोई भी बच्चा हो, लड़का हो या लड़की हो, पेरेंट्स को सिर्फ एक ही चीज़ सिखानी है कि कोई टच नहीं करेगा। गुड टच बैड टच क्या होता है, क्यों कोई किसी बच्चे को छुए? अब आप हैं, मैं हूँ, मुझे कोई छुए तो अच्छा लगता है? नहीं। जब हमें बुरा लगता है, आप बताइए, आप चल रहे हैं, आपके कंधे पे कोई हाथ रख दे आपको बुरा लगता है, तो फिर बच्चे को क्यों? बच्चा आप बोल नहीं पा रहा है, कोई गुड और बैड नहीं है, टच होना ही नहीं चाहिए। मैं तो कहूँगा टच को बच्चों को इतना अग्रेसिव कर दीजिए कि करें तो वो एकदम से रिवोल्ट वाली एक्शन में करें। बिल्कुल गलत, गुड टच बैड टच कुछ नहीं होता। और लड़कियों को जो फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जैसे आपने अभी पूछा था सेक्स एजुकेशन का लड़कियों के लिए, जी मेरा है कि लड़कियों को तो मिले जी, लड़कों को भी मिले, उनका भी दिमाग थोड़ा धरती पे आए जी। जो इतने दुष्कर्म हो रहे हैं, जो इतनी गलत चीज़ें हो रही हैं जी, वो कहीं विदेश से नहीं हो रही हैं जी, आतंकी नहीं आके कर रहे हैं जी। क्षमा चाहूँगा, लेकिन मेरे और आपके, हमारे समाज के घर के लड़के ही कर रहे हैं जी, जी। और उनको बचाने के लिए वकील भी हमारे परिवार वाले ही कर रहे हैं जी। तो लड़कों को भी थोड़ा ज्ञान दें, लड़कियों को तो ज्ञान सभी दे रहे हैं जी। सब कह रहे हैं लड़की बचाओ, लड़की पढ़ाओ, अच्छी बात है जी। लेकिन लड़कों को थोड़े भी पढ़ाने के संज्ञान भी दे दीजिए। मतलब लड़कियों तक का तो वो नहीं टच कर सकते जी। लेकिन इंसान जैसे कुछ बन जाए लड़के, तो मेरे ख्याल से समाज में कुछ फर्क आ जाएगा जी। आदित्य जी, और एक सवाल बहुत चर्चा में रहता है कि लड़कियां जब छोटे कपड़े पहन लेती हैं तो कुछ लोग उसका विरोध करते हैं, और जब विरोध करते हैं तो लड़कियां कहती हैं कि सामने वाले की नज़र गंदी है। आपकी नज़र में क्या उचित है? देखिए, मैं जैसे मैंने अभी पहले भी कहा था, मैं कपड़े को इतनी अहमियत देता नहीं है जी। कोई लड़की है पहन रही है, वो एक अलग इंसान है जी। मैं हूँ कौन? कौन हूँ मैं जो किसी लड़की को बोलूँ कि तू ये पहन, ये मत पहन? मैं आपको एक ईमानदारी की बात बताऊँ, आपका चैनल मुझे इतना सम्मान दे रहा है, इतनी देर से अपन बात कर रहे हैं, इसके लिए मैं शुक्रिया है जी। लेकिन मेरी वास्तविकता ये है, जहाँ मुंबई में मैं रहता हूँ, वहाँ का जो हमारी सोसाइटी का वॉचमैन है ना साहब, वो भी मेरी नहीं सुनता है जी। ये मेरी अहमियत है जी। और मैं लड़कियों को कहूँ कि क्या पहने, क्यों नहीं पहने, वो जो पहन रही है वो उनकी स्वतंत्रता है जी। वो बस कंफर्टेबल होनी चाहिए, ये मेरा मानना, ये मैं हर के लिए कहता हूँ। हेजिटेट ना करें, हेजिटेट नहीं करनी है, तब तक सब सही है जी। उनकी इच्छा, वो पहन जो पहनना चाहे। प्लस लड़कों को कोई अधिकार नहीं है, वो हैं कौन, वो कौन होते हैं जज करने वाले? मुझे अगर अभी कोई बोल दे क्या है ये धोती पहन के घूम रहा है शहर में, मुझे भी तो कमेंट कर सकता है। क्यों? उनको जो पहनना है, लड़के वो कुछ भी पहने, साड़ी पहने या आपके कह लें शॉर्ट्स पहने, वो उनका हक है। आपका जानवर बनने का हक नहीं है, आप इंसान बने रहिए, नहीं तो गलत चीज़ है। आपने बहुत बेबाकी से और बहुत संतुलित इसका उत्तर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंतिम सवाल हम आपसे पूछेंगे कि आज जो हमारा देश है, आज से कुछ सालों के बाद, 5 साल 10 साल या कुछ सालों के बाद, आप अपने देश को कहाँ देखना चाहते हैं या कहाँ दिखता हुआ महसूस करते हैं? इच्छा है, ग्रो तो हम कर ही रहे हैं जी। थर्ड इकोनॉमी की बात हो रही है कि देश विश्व में तीसरे नंबर पर आएगा। नहीं, मेरा पूछने का उद्देश्य ये था कि जैसे आप भी एक गुरु की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, तो विश्व गुरु की जब भारत की बात होती है तो उस आध्यात्मिक तौर में आप भारत को कहाँ पाते हैं? देखिए, मैं गुरु तो नहीं बन रहा हूँ अभी, तो मैं खुद ही ज्ञान मिल जाए थोड़ा सा तो अच्छा है जी। वो ही बस बहुत है। और विश्व गुरु तो बनेंगे, ज़रूर बनेंगे, सब लोग अपने धर्म, अपने शिष्टाचार, अपने संस्कार की ओर मोड़ें, अच्छी बात है।
संस्कार और आधुनिकता एक साथ आराम से चल सकती है, हाथ पकड़ के चल सकती है, लेकिन बस ये है कि विश्वगुरु बने, विश्व में तीसरे से एक नंबर पे इकोनॉमी में हम आ जाएं, लेकिन वो जो 80 करोड़ को हम अनाज दे रहे हैं वो लोग भी इतने स्वावलंबी हो जाएं कि हमें किसी को अनाज दान नहीं देना पड़े, वो भी कमाएं, वो भी खुश रहें, सब बढ़े, मैं और आप नहीं, पूरा संपूर्ण अखंड भारत बढ़े। जी जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया और इतने अच्छे विचार से आपने हजारों लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का एक तरीके से काम किया है। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं भविष्य में भी हमारे लिए आप यूं ही वक्त दिया करेंगे।